नो मास्क नो एंट्री के साथ कोरोना से सुरक्षा व संकल्प जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ। कोटड़ा उपखंड कार्यालय से जागरूकता रैली का हुआ शुभारंभ, जिसमें जागरूकता रैली में उपखंड अधिकारी सुभाष यादव, विकास अधिकारी धनपत सिंह राव, तहसीलदार धनराज मीणा, नायब तहसीलदार ममता यादव, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शंकरलाल चौहान, मुख्य शिक्षा ब्लॉक अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल, प्रवर्तक निदेशक अशोक कुमार शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी व ग्रामीणों ने रैली में लिया भाग। कोटड़ा शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बिना मास्क पहने लोगों को मास्क पहनाए गए। दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चस्पा किए गए। साथ ही कोरोना वैक्सीन नहीं है, मास्क ही वैक्सीन है, जीवन अमूल्य है, ईश्वर के नाम पर शपथ दिलाई गई, जिसमें आस्था सेवा मंदिर, वनवासी कल्याण परिषद, कल्याणी विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोरोना जागृति अभियान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कोटड़ा क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना को मामलों को देखते हुए यहां पर जिला प्रशासन व उपखंड प्रशासन के द्वारा निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दुकान में प्रवेश निषेध है, मास्क ही वैक्सीन है, मास्क ही वैक्सीन है, इलाज है। बगैर मास्क कोई भी दुकान, कोई भी जगह, कोई भी स्थान प्रवेश निषेध है। बहन जी, मास्क पहनना पड़ेगा। दुकान में से दूरी बनावे में रखवानी, दुकान में से दूरी बनावे में रखवानी। हेलो हेलो, आयो बहनो पकड़ो, मास्क लगाने से बाजार जाने में मास्क लगाने जाओ है, लेकिन दुकान वाला आपका सामान नहीं आने है, ऐसा मास्क लगाने रखो है। सभी छोरा मोटा मोटा छोरा हारा लगाने रखवाने है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कोटड़ा को कोरोना मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास करूँगा एवं मास्क ही वैक्सीन है के सिद्धांत पर चलते हुए नो मास्क नो एंट्री पर कार्य करूंगा एवं कोशिश करूंगा कि लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़े। जय हिंद। हाँ जी, आज जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर को नो मास्क नो एंट्री, इसके लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की गई है राज्य स्तर पर। उसी तरह से उसी के तहत 3 अक्टूबर को जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। 1 महीने का एक कार्यक्रम है, इसके तहत हम जो हैं आम जनता से उनको प्रेरित करेंगे कि वो अपने जीवन में मास्क का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करके अपने को और अपने समाज को सुरक्षित रखें। इसी के तहत उपखंड स्तर पर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, एनजीओ, जनप्रतिनिधि इनने मिलकर पूरे कस्बा क्षेत्र का भ्रमण किया। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिला उसको हमने मास्क वितरित किया और साथ ही लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने जीवन में मास्क का उपयोग करें और अपने को और अपने समाज को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब तक वैक्सीन इसकी नहीं आती है कोरोना की, तब तक मास्क ही एक तरह से या बचाव जो है इसका, वही इसकी वैक्सीन के रूप में काम करेगा। तो मैं आमजन से अपेक्षा करूंगा कि वो अपने जीवन में एक हैबिट विकसित करेगा कि जब भी बाहर जाए, लोगों के संपर्क में आए, तब वो मास्क का उपयोग अवश्य करे। कोटड़ा क्षेत्र की खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं और तुरंत